नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT 2 Pro 5G versus Google Pixel 6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT 2 Pro में 6.43 इंच जबकि Pixel 6 5G में 6.24 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि GT 2 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.94 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो GT 2 Pro में 0.32 इंच जबकि Pixel 6 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि GT 2 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो GT 2 Pro में 189 ग्राम्स जबकि Pixel 6 5G में 207 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि GT 2 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो GT 2 Pro में AMOLED जबकि Pixel 6 5G में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT 2 Pro में 6.7 इंचेस जबकि Pixel 6 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन GT 2 Pro में 1440x3216 और Pixel 6 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT 2 Pro में 88.9% जबकि Pixel 6 5G में 83.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT 2 Pro में 526 पिक्सल प्रति इंच जबकि Pixel 6 5G में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT 2 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में माइक्रोस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। और Pixel 6 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो GT 2 Pro में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Pixel 6 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो GT 2 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Pixel 6 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT 2 Pro में Adreno 730 जबकि Pixel 6 5G में Mali-G 78MP20 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT 2 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 और Pixel 6 5G में Google Tensor मिलता है। बात करें RAM की तो GT 2 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Pixel 6 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी GT 2 Pro में 5000 mAh जबकि Pixel 6 5G में 4614 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो GT 2 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 49,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 57,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पिक्सल 6 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 60,570 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 78,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme GT 2 Pro 5G में 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Google Pixel 6 5G की तो उसमें 4 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में GT 2 Pro आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में GT 2 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 5G है, तीसरा शाओमी MI 10T 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो रेनो 5 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।